हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग इंडियन फ्लैग रील्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो वीएन ऐप में, और इस तरह की वीडियोस पे इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा व्यूज मिलता है। मतलब अगर हाईएस्ट किसी चीज पे या किसी टाइप की वीडियोस पे व्यूज मिलता है ना, तो वो इसी टाइप की वीडियोस पर मिलता है, और इस टाइप की वीडियोस पे हर कोई लाइक कमेंट शेयर करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो को शूट करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को शूट मतलब कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सुबह को, शाम को या फिर दोपहर को किसी भी टाइम पे कोई एक अच्छा सा खेत में चले जाना जहाँ पे थोड़ा हरियाली वगैरह हो, जैसे कि कुछ इस टाइप का खेत में आप चले जाना एंड रिकॉर्डिंग को आप स्टार्ट करना। और रिकॉर्ड आपको कुछ इस तरीके से जो हरियाली है मतलब कि नीचे में जो भी प्लांट्स वगैरह लगे होंगे उसे रिकॉर्ड करना, साथ ही में स्काई भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें जस्ट यहाँ पे हमारे जो खेत का हरियाली है वो भी रिकॉर्ड हुआ है और साथ ही में स्काई भी रिकॉर्डेड है। तो इसी तरीके से आपको भी रिकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना। अब इसे एडिट करना ना लिटरली काफी ज्यादा आसान है। मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा उनको सिर्फ फॉलो करना और आराम से, बिल्कुल आराम से आप वीडियो को एडिट कर पाओगे। तो ये एडिटिंग हम वीएन ऐप में करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप अपने वीएन ऐप को ओपन कर लेना, और अगर आपके पास वीएन ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन दिखता है, ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, कोई ना, यहाँ पे प्लस का एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो देन आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप क्लिक करना। देन अभी जो आपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है जस्ट उसी वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। तो वीडियो वाले सेक्शन में आप आ जाओ और यहाँ पे आप अपना रिकॉर्डिंग मतलब कि ये वाला जो वीडियो है इसे सेलेक्ट कर लेना और जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। तो आपका यहाँ पे जो भी वीडियो रिकॉर्ड आपने किया होगा वो ऐड हो जाएगा। और सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी नॉइज वगैरह रिकॉर्ड हुआ होगा ना वो सारा हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा चीज का ध्यान देना, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी इस चीज का ध्यान देना कि इस तरीके से आपका जो स्काई हो वो ऐसा ना रिकॉर्ड हो जाए, मतलब कि आपको बहुत सुबह को नहीं चले जाना, जब आपका सनराइज होता है उस टाइम पे आप मत पहुंच जाना, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप स्काई को रिकॉर्ड करोगे तो ऐसा ही स्काई आएगा। ठीक है, और वही सेम चीज है आपका सनसेट के टाइम पे, सनसेट के टाइम में भी अगर आप चले जाओगे मतलब बिल्कुल शाम को, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही स्काई आएगा। तो ये दो टाइम को आप इग्नोर करना, आप सुबह का 8 बजे 9 बजे चले जाओ, दिन में कभी भी जा सकते हो, फिर शाम को 4 से 5 बजे तक चले जाना। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा स्काई नहीं रहता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे वीडियो आपको ऐड कर लेना है। वीडियो ऐड हो जाने के बाद अब इसमें जो भी वेस्ट पार्ट होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में ये वाला स्काई आ गया था तो जस्ट हम यहाँ पे इसे हटा देंगे। सो हटाने के लिए आप यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना, स्प्लिट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसे आप डिलीट कर देना। ओके, सिमिलर वे में अगर लास्ट में भी कुछ इस टाइप का रिकॉर्डिंग हो गया है, जैसे कि यहाँ पे है ये रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ आ जाना, फिर स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना एंड इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वेस्ट पार्ट को आपको इस तरीके से हटा लेना है। ओके, ये हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे अपने वीडियो में चाहो तो थोड़ा सा स्लो मोशन ऐड कर देना। आप स्पीड के ऊपर जाना और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको स्लो करने का मन होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटर में चाहता हूँ कि स्लो हो, तो जस्ट ये सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के नीचे कर देना, तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा ना कि ये स्लो हो जाएगा, जो कि देखने में थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये काम कर देना है, फिर आप जस्ट यहाँ डन कर सकते हो। और लास्ट में थोड़ा सा बच गया तो इसे हटा लेते हैं। नाउ स्लो मोशन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक स्काई वीडियो को ऐड करना है, जो कि हम यहाँ पे ऊपर में रखेंगे। ठीक है, तो उसे ऐड करने के लिए आपको ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा थर्ड नंबर पे पीआईपी का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ क्लिक करोगे देन आपको वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर वीडियो वाले सेक्शन में रह के जस्ट इस स्काई वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेना। और हाँ, इस स्काई वीडियो का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके जस्ट इसे सेव या फिर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसका साइज को इंक्रीज करके इसे आपको ऊपर में रख देना है, थोड़ा और साइज इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर अपना जो नीचे वाला वीडियो है मेन वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देना, मतलब कि फ्लैग का जैसा हम यहाँ पे कलर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में आप जानते हो जस्ट सैफ्रॉन कलर रहता है, फिर व्हाइट रहता है, फिर नीचे में ग्रीन कलर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट हम भी यहाँ पे सीक्वेंस बना रहे हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे स्काई को ऐड किया है ना, वो यहाँ पे फेड नहीं है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप इसे फेड कर देना। सो स्काई
वीडियो के ऊपर क्लिक करना और थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे देन आपको यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप फेड कर सकते हो। तो मास्क के ऊपर आपको क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको एक लीनियर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। बट एक बार और क्लिक करना होगा, एक बार में काम नहीं बनेगा, तो एक बार और आप यहाँ क्लिक कर देना, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक एरो मिल रहा होगा, इस एरो को आप यहाँ इंक्रीज करोगे तो देख पाओगे ये फेड हो रहा है और ये जो सर्कल है इसकी मदद से आप इसे नीचे कर सकते हो। तो जस्ट कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे फेड कर देता हूँ और इसे डन कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे ये जो स्काई है वो भी ऐड हो गया, बस इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दे तो काफी सही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट अशोका जो चक्र होता है हमारे फ्लैग में उसे जस्ट आपको ऐड करना होगा। तो उसे ऐड करने के लिए अगेन आपको इसी वाले ऑप्शन मतलब पीआईपी के ऊपर क्लिक करना है, देन वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट फोटो वाले सेक्शन के ऊपर आपको जाना है और ये जो अशोका चक्र है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर इसे आपको जस्ट यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब आप इसे इमेज के ऊपर क्लिक कर लो एंड इसे आप पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देना। अब ये जो है थोड़ा सा अगर मूव करे घूमे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सो इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे एक की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना और बिल्कुल लास्ट में आप आना एक और की फ्रेम ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ना, इसकी मदद से आप इसे जस्ट थोड़ा सा इसे रोटेट कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन आप देख पाओगे कुछ ऐसा जस्ट ये मूव करना शुरू कर दिया, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो, जो कि काफी बेटर लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक पीएनजी ऐड करना है, जिसका लिंक अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ऐड कर दोगे देन आपका जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक वही पीआईपी का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना, फोटो के ऊपर जाके जस्ट इस पीएनजी को सिलेक्ट करना, अगेन इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसे आपको पूरा स्क्रीन में अच्छे से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक फिल एंड फिट ऑप्शन दिखेगा, दोनों में से किसी को सेलेक्ट करना, ये पूरा स्क्रीन में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एडजस्ट हो जाने के बाद इसको आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक रख देना है और ये जो अशोका चक्र है इसको ऊपर क्लिक करके इसे जस्ट आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर कर दोगे देन आप यहां देख पाओगे ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे जो वीडियो है वो यहां एडिट हो गया और बिल्कुल ये लग भी रहा है कि जैसे कि एक फ्लैग ही हो। आप यहां कलर देखो या फिर इसमें ये जो मूवमेंट वगैरह है सारा चीज बिल्कुल एक फ्लैग के जैसा ही लग रहा है, काफी कमाल का लग रहा है वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे वीडियो तो एडिट हो गया। अब इसमें हमें सिर्फ म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करना, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके माई म्यूजिक में आपको चले जाना, फिर म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होगा वो सारा यहाँ आ जाएगा। अब जिसे आप यूज करना चाहो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और अगर आपके डिवाइस में भी काफी सारा म्यूजिक है, जैसे कि मेरे पास 800 से ज्यादा म्यूजिक है, तो इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप यहाँ बैक करो, आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड जस्ट आपको जो भी म्यूजिक का नाम होगा वो लिख के आप यहाँ सर्च करना। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे का है म्यूजिक, तो मैं जस्ट उसे सर्च कर लिया, ये आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आपको डन कर देना, तो आपका म्यूजिक भी ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे इस टाइप का जो वीडियो है उसे आप बना सकते हो, बन चुका। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। और हाँ, अगर आपको ये कलर से थोड़े ज़्यादा लगे, जैसे कि ये जो पीएनजी हमने ऐड किया तो कलर से काफ़ी है इसमें, अगर ज़्यादा लगे तो आप इसका कलर को कम भी कर सकते हो, यहाँ आपको ओपेसिटी मिलता है, इसे जस्ट आप यहाँ कम करना, ठीक है। जैसा आपको सही लगे उस तरीके से कर भी सकते हो, देख सकते हो अभी भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो पूरा कलर ही अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पूरा मैक्स रखता हूँ, ठीक है। देन इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑटो से आपको मैनुअल में आ जाना है। रेजुलेशन 4K अगर आपकी डिवाइस में सपोर्ट करे तो 4K सेलेक्ट करना, नहीं सपोर्ट करे तो 1080 ही सेलेक्ट करना, इनफ रहेगा, बस बीट रेट बढ़ा देना। देन एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, तो बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपको जो वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इस तरह से करके इस टाइप की वीडियो बनाया जाता है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ आ चुका है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।